तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट होम साइंस मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन को। ये सॉल्यूशन होम साइंस के स्कूल टीचर द्वारा सॉल्व किया गया है, बाकी शाम तक आपको ऑप्शनल आंसर की भी मिल जाएगी, अभी आप ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो शाम को डायरेक्ट ऑप्शनल आंसर की से भी मैच कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 1, एक व्यक्ति का अपनी नौकरी के प्रति संतोष या असंतोष का अनुभव निम्न में से किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ग राइट है, मनोवृत्ति, ठीक है। सेकंड, यदि कोई व्यक्ति वृत्त चित्र फिल्म बनाने में रुचि रखता है तो उसे डैश की आवश्यकता होती है, तो तकनीकी कौशल का ऑप्शन राइट है। अगला, थर्ड, विजेता एक छोटी व मोटी लड़की है, उसे थोड़ा लंबा और पतला प्रतीत होने के लिए डैश रेखाओं वाले वस्त्र का चुनाव करना चाहिए, तो यहाँ पर खा ऑप्शन राइट है, लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी रोजगार में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है? तो का ऑप्शन राइट है, 16(1), ठीक है। पांचवा, निम्न में से कौन सा कौशल पूर्व प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका के लिए आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर खा ऑप्शन, खाना पकाना, ठीक है। क्वेश्चन 6, भारत के उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ यह व्यंजन लोकप्रिय है, तो यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, फिलहाल ऑप्शन में गुजरात दिया गया है, बताया गया है, ठीक है ना, बाकी इसमें कुछ और भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है, ठीक है ना, क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिया है। अथवा वाला, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, उड़ीसा का प्रसिद्ध शिल्प कौन सा है? तो 16 शिल्प, ठीक है। क्वेश्चन 7, वर्ष 1972 में क्यूब्राल ने किस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7, विकास संचार, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8, रजनी अपनी नवजात बेटी के लिए चांदी का गिलास खरीदना चाहती है, उसे कौन सा मानकीकरण चिन्ह उस पर देखना चाहिए? तो खा ऑप्शन राइट है, यहाँ पर हॉलमार्क, सोने चांदी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो मिलान करना है, तो यहाँ पर आपका का ऑप्शन राइट है इसमें, ठीक है। ए का 4 से, बी का 1 से, ठीक है, सी का 2nd से, और डी का 3rd से, ठीक है। क्वेश्चन 10, सेम मैचिंग करना, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सेम इसमें भी, इसमें घा ऑप्शन राइट है, ठीक है। 1st का 3rd से, 2nd का 1st से, और 3rd का 2nd से, 4th का 4th से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11, ऊपर से कपड़े डालने वाली धुलाई मशीन में वस्त्र धुलाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? तो 1st एंड 2nd, खा ऑप्शन राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आपकी छोटी बहन ECCE के क्षेत्र में जीविका की तैयारी कर रही है, निम्न में से कौन से जीविका के अवसर उसके लिए उपलब्ध हैं? तो यहाँ पर 12 में खा ऑप्शन राइट है, 1st 2nd 4th,
ठीक है। अगला, रमाकांत एक सेट डिजाइनर है, निम्न में से कौन से उसके कार्य हैं? तो यहाँ पर आपका घ ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 14, सूक्ष्म तत्व पोषकहीनता के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो घ ऑप्शन राइट है, छिपी भूख, ओके। अगला, निम्न में से कौन से पोषण कार्यक्रम हमारे देश में चल रहे हैं? यहाँ पर आपका खा ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपके चाचा लंबे समय से बीमार हैं, अब उनका इलाज विशिष्ट अस्पताल में हो रहा है, यह किस प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल है, ठीक है ना। तो द्वितीयक में है, ठीक है ना, विशिष्ट है। अगला, श्रीमती वर्मा एक जन पोषण विशेषज्ञ के रूप में कार्य करती हैं, उनके मुख्य कार्य क्षेत्र क्या हैं? ग ऑप्शन राइट है, ठीक है। निम्न में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? का ऑप्शन राइट है, ठीक है। टोटल इतना ही शेयर कर रहा हूँ, बाकी के आंसर डायरेक्ट ऑप्शनल आंसर की से मैच कर लेना, और कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके अभी तक जितने पेपर में उनके आंसर देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब आंसर की अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके मार्क्स नहीं लग रहे, आपको घबराना नहीं है, बट प्रैक्टिस कर लेना फाइनल के लिए अच्छे से, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।